हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ अपने शहर कोटद्वार के बारे में। ये जन्मभूमि है सम्राट भरत की और यहीं पे साक्षात हनुमान जी आए थे। तो आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटी सी जर्नी के साथ में। तो बात है मेरे शहर की, तो भाई मैं खुल के बात करने वाली हूँ यहाँ पे। फिलहाल मैं जाने वाली हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे सिद्धबली मंदिर में कुछ मन्नत मांगी थी, तो उस वजह से मुझे कुछ प्रसाद चढ़ाना है। मैं वो लेके भी आने वाली हूँ और इसके साथ साथ मैं अपना शहर घुमाने वाली हूँ आप सभी को। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको दिखाती हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ में। आज भी माना जाता है यहाँ पे कि हनुमान जी साक्षात यहाँ पे हम सबकी रक्षा करने के लिए यहाँ पे विराजमान हैं। वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा एंड तक देखिए। आगे चलकर मैं बताने वाली हूँ फुल हिस्ट्री यहाँ पे हनुमान जी की। ये कोटद्वार का बुद्धा पार्क है, यहाँ पे बुद्धा जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है, साथ में पार्क बना हुआ है। यहाँ पे बचपन की बहुत सारी यादें हैं, यहाँ पे हम खेलने आया करते थे, यहाँ से हमारा पुराना घर आता था, बहुत सी यादें हैं। ये कोटद्वार का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा बन गया है। जब हम छोटे थे तो ये हॉस्पिटल भी बहुत छोटा था। और ये मेरे बचपन की सबसे अच्छी यादों में से एक है। ये मेरा स्कूल है जहाँ से मैंने 6th स्टैंडर्ड से लेके 12th तक पढ़ा है। ये गवर्नमेंट स्कूल है। इस जगह को मालवीय उद्यान बोलते हैं। यहाँ पे 26 जनवरी 15 अगस्त को बच्चों के फंक्शंस होते हैं, स्कूल वालों के कंपटीशन होता है। आप लोगों से बात करते करते हम पहुँच गए हैं मार्केट। ये जगह फेमस है झंडा चौक के नाम से है। यहाँ पे फ्लैग है बहुत बड़ा इंडिया का। तो भाई सभी देख लो मेरा छोटा सा शहर कितना सुंदर है। वैसे भी जो जहाँ पर भी रहता है उसको वही जगह बहुत सुंदर लगती है। तो हमें छोटा मोटा काम निपटाना था, मैं आई ज्वेलर्स के पास, मैंने अपना काम किया। देन उसके बाद मुझे वॉलेट लेना था, तो मैंने ये पर्स की शॉप में आई। इनके पास लेटेस्ट एक से एक कलेक्शन आते हैं, मेरी तो ये फेवरेट शॉप में से एक है। इसके बाद हम गए पीटर इंग्लैंड के शोरूम में। यहाँ पे हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि हमें यहाँ पे लेना था पार्टी वियर और यहाँ पे ज़्यादातर फॉर्मल्स थे, हमने यहाँ पे कुछ परचेज़ नहीं किया। घर के लिए थोड़ी सी सब्जी भी ले जानी थी, इसलिए मेरे इस व्लॉग में आप कोटद्वार की सब्जी मंडी भी देख लीजिए। अब लास्ट में हम आए हैं यहाँ पे हनुमान जी के लिए चोला खरीदने के लिए, चोले की शॉप में। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं हनुमान जी के लिए एक से एक चोले। फिर लेट हो गया, उसके बाद हम फटाफट से घर आए, क्योंकि हमें जाना था सिद्धबली मंदिर। फटाफट से तैयार होके हम जाने लगे हैं सिद्धबली मंदिर। हमारे घर से सिद्धबली मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो हम निकल गए हैं मंदिर की तरफ। यहाँ पे शिव मंदिर है, इसको फ्लारी बाबा मंदिर भी बोलते हैं। हम पहुँच गए सिद्धबली मंदिर के मेन गेट पे, यहाँ से हम सबसे पहले प्रसाद खरीदने वाले हैं। ये सिद्धबली मंदिर के आसपास प्रसाद की बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएगी। बगल में ये जो ऑरेंज कलर का है वो धर्मशाला है सिद्धबली की। यहाँ पे सिद्धबली मंदिर में ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं वो टोटल 150 हैं, तो यहाँ पे हम 150 सीढ़ियाँ चढ़कर जाने वाले हैं ऊपर मंदिर। कलयुग में शिव का अवतार लेने वाले गुरु गोरखनाथ जी को यहीं पे हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हुई थी, इसीलिए इस मंदिर को सिद्ध बाबा भी कहा जाता है और इसी कारण इसका नाम सिद्धबली भी पड़ा। स्कंद पुराण के केदार खंड में यह बात लिखी हुई है कि हनुमान जी और गुरु गोरखनाथ जी का यहीं पर एक भयानक युद्ध हुआ था, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी जब अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ को मैनकनी रानी के जेल से मुक्त कराना चाहते थे, तो उस समय उनका हनुमान जी के साथ युद्ध हुआ। युद्ध के अंत में जब दोनों में से कोई भी नहीं जीत पाया, तो हनुमान जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। वरदान के रूप में उन्होंने हनुमान जी से मांगा कि आप यहाँ पर हमेशा के लिए एक प्रहरी के रूप में विराजमान हो जाइए। तब से यहाँ पे माना जाता है कि हनुमान जी साक्षात यहाँ पे हमेशा विराजमान है। वैसे इस मंदिर में बहुत ज़्यादा रश होता है, मंगलवार शनिवार और संडे को तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ पे लाइन बहुत लंबी होती है।
ऊपर हनुमान जी में प्रसाद चढ़ाने के बाद नीचे शिवालय बना है, अब हम वहाँ जा रहे हैं। खास बात यह है कि ये मंदिर खो नदी के किनारे बना हुआ है 40 मीटर ऊंचे टीले पे। अरे वाह, देखो ये क्या देखने को मिला है, यहाँ पे सुंदर सुंदर जो फेमस टेम्पल्स हैं उनके ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं यहाँ। तो इसी के साथ हम पहुँच गए हैं भोलेनाथ के मंदिर। जय भोलेनाथ। मैं शिवजी भगवान जी को बहुत मानती हूँ, बहुत बिलीव करती हूँ। आप सभी कमेंट्स में बताएं कि आप सभी भगवानों में से किसे मानते हैं। तो आप सभी देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, तो असली सुंदरता मेरे शहर की यही पहाड़ है। शिवालय से निकल के हम जाने वाले हैं अब शनि मंदिर। शनि मंदिर में दर्शन करने के बाद हम जाने वाले हैं भंडारा खाने के लिए। पहले यहाँ पर सैटरडे संडे और ट्यूसडे को ही भंडारा हुआ करता था जब हम छोटे थे, लेकिन अब यहाँ पर हर रोज़ भंडारा होता है। और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि भंडारा के लिए अगर हम करवाना चाहें तो हमारा नंबर सालों बाद आएगा, शायद 2027 या 2030 के बाद आएगा, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी ने सबकी मन्नतें पूरी कर दी हैं, तो उसके बाद यहाँ पर भंडारा कराया जाता है। यहाँ पे भंडारे की बुकिंग मिलना बहुत मुश्किल है। ये देखिए यहाँ पे भंडारा बन रहा है और यहाँ पे सुबह 4 बजे से तैयारी करने लग जाते हैं भंडारे वाले। भाई जहाँ बात भंडारे की आ जाती है तो मेरे मुंह में पानी आने लग जाता है, मुझे तो बहुत जल्दी हो रही है कि कब मैं भंडारा खाऊं। मुझे स्पेशली यहाँ का भंडारा बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी कभी भी आएँ तो भंडारा ज़रूर खा के जाएँ, बहुत टेस्टी भंडारा देते हैं यहाँ पे। ज़्यादातर आलू टमाटर की सब्ज़ी, कभी छोले मिल जाते हैं, साथ में पूरी, हलवा बहुत टेस्टी होता है यहाँ पे। मैं तो खाती हूँ भंडारा। तो इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ यार सब्सक्राइब भी कर ही दो मेरा चैनल, मेरे एटलीस्ट 500 तो कंप्लीट हो जाएं। चलिए जय श्री राम बोलते हुए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।